दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का चैप्टर है 8, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि मारिया शरापोवा के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। मारिया शरापोवा में कुछ ऐसी बात थी जो उनकी तुरंत मुस्कान और भड़कीले कपड़ों में एक डाउट क्रिएट करती थी, और इन सब चीजों को वो जल्दी ही दूर कर देती हैं, यानी कि जो ये डाउट है उसको जल्दी ही वो क्लियर कर देती हैं। वो दिन था मंडे का 22 अगस्त 2005, जिसने उन्हें संसार भर में महिलाओं के टेनिस में प्रथम स्थान पर चढ़ा दिया, और ये सब चीजें बहुत ही जल्दी हुई। वो साइबेरिया में पैदा हुई एक टीनेजर गर्ल थी। वो और बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा शांत और संतुलित रहना ज्यादा पसंद करती थी। उन्होंने 4 साल में ही एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में अपना मुकाम हासिल किया। मारिया शरापोवा ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वो अपने फादर यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा में निकल पड़ी जो कि उनकी सफलता और एक प्रख्यात खिलाड़ी बनने के मार्ग पर पहुंचाने वाली थी। और इस बीच उन्हें अपनी मॉम्स की 2 साल की जुदाई को भी झेलना पड़ा। 2 साल तक वो अपनी मॉम से दूर रही, क्योंकि वीजा पाबंदी की वजह से उनकी मॉम जो है साइबेरिया में ही रुक गई। और 9 साल की इस लड़की ने अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख लिया था कि टेनिस में अगर कोई विशिष्टता प्राप्त करनी है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो। मारिया बताती हैं कि वो ज़्यादातर अकेले ही रहा करती थी, और उनके डैड जो हैं वो अपने ऑफिस के काम से वहीं रहा करते थे, जिस वजह से मारिया अपने डैड से नहीं मिल पाती थी, और उसे अपनी मॉम की याद भी बहुत सताती थी। और वो बताती हैं कि मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू रह सके इसलिए उनके फादर जो हैं ज़्यादातर काम पर ही रहा करते थे। और वो कहती हैं कि जो वो इतनी बड़ी एज की तो नहीं थी, छोटी ही थी, तो 8 बजे ही सो जाती थी। और जहाँ वो ट्रेनिंग कर रही थी उस जगह पर और भी स्टूडेंट थे, यानी कि कुछ टेनिस प्लेयर भी थे जो अभी सीख रहे थे, टेनिस पीपल कैसे कह सकते हैं। 11 बजे वहाँ ट्रेनिंग करके आते थे उस रूम में, और उन्हें जगा देते थे, कहते थे कि इस कमरे को क्लीन और सुव्यवस्थित करो। और मारिया कहती हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें जो है थोड़ा भी परेशान नहीं करती थी, वो परेशान होने की बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती चली जा रही थी। मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, और अपनी देखभाल भी करना उन्होंने सीख लिया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि उनकी जो सक्सेस पाने की जो भूख थी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और वो कहती हैं कि जब हम शुरुआत जीरो से करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, और अपनी सक्सेस को पाने के लिए वो और ज़्यादा अपमान और बेइज्जती सह लेती। ये दृढ़ता मारिया में आज भी है। ये 2004 में उनका विंबलडन में महिलाओं के सिंगल खिताब पाने का और अगले साल विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने का एक रहस्य है। जब भी मारिया से उनकी एम्बिशंस को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके आंसर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली करती हैं, और उन्होंने जो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं वो ज़रूरी समझती हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत प्रतियोगिताशील हूँ, जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं बहुत हार्ड वर्क के साथ करती हूँ, ये मेरा काम है और यही उनकी सफलता का राज भी है। मारिया शरापोवा अमेरिका लहजे से उच्चारण करती हैं, फिर भी गर्व से रूस की राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करती हैं, और सभी डाउट्स को दूर करके कहती हैं कि मैं एक रशियन हूँ। ये सच बात है कि यूएसए मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, पर मैं एक रशियन हूँ, मेरे पास रशिया की नागरिकता है, और रशिया जो है मेरे पूरे तरीके से ब्लड में रमा हुआ है। अगर रूस चाहेगा तो मैं उनके लिए ओलंपिक जरूर खेलूंगी। अदर टीनेजर्स की तरह मारिया के भी कुछ शौक हैं, जैसे कि फैशन, गाना, नाचना और भी हॉबीज, और साथ ही साथ उन्हें नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है। पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक आल्सो। मारिया कहती हैं कि उन्हें कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, उन्हें जो सफलता मिली है वो उनकी योग्यता और सेक्रीफाइसेस की वजह से मिली है, जिसने उन्हें संसार के इस शिखर पर पहुंचाया है। वो कहती हैं कि मनी तो मोटिवेट करता ही है,
और जो टेनिस है एक बिजनेस है एक स्पोर्ट्स है, पर फिर भी संसार में एक पहले स्थान पर रहना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही सपना उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।